आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मसालेदार क्रिस्पी पॉर्क की रेसिपी। तो बनाते हैं आज क्रिस्पी पॉर्क की रेसिपी। मसालेदार क्रिस्पी पॉर्क बनाने के लिए सबसे पहले पॉर्क को बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पानी पहले से चढ़ा रखा था। आप यहाँ पर वाइल्ड कोरिएंडर लीफ ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये कोरिएंडर लीफ नहीं है तो आप नॉर्मल धनिया पत्ता ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। और जैसे ही पानी गर्म होगा हम यहाँ मीट को ऐड कर देंगे। सारे मीट ऐड करने के बाद बीच बीच में चलाते हुए हम 10 मिनट के लिए पॉर्क को बॉईल कर लेंगे। दस मिनट के बाद हम मीट को एक बर्तन पे निकाल लेंगे, निकाल के ठंडा कर लेंगे और साथ साथ ही हम मसाले भी बना लेंगे। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का प्याज पहले से ही फ्राई करके रखा था। आप ग्राइंडर में यहाँ पर डाल देंगे और सूखी लाल मिर्च को भी मैंने 5 मिनट गर्म पानी में भिगो के रखा था, उसको भी डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अदरक और लहसुन ले लेंगे। अदरक लहसुन के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा सीजन पेपर भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को हम थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं। अब मीट में हम लोग इस तरह कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से होता क्या है, हमारे जो मसाले हैं वो अंदर तक अच्छी तरह से चला जाता है। इस तरह सारे मीट हम लोग कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने पहले भी नमक का यूज़ किया है तो हमें थोड़ा सा ही नमक लेना है और थोड़ा सा मसाज करना है। उसके बाद जो हमने मसाले पेस्ट बना के रखा था उसको रखेंगे और उसके बाद मीट में अच्छी तरह से हमें कोट कर देना है। इसी तरह धीरे धीरे हमें मसाज करते हुए सारे मसाले को मीट में कोट करना है ताकि जब हम मीट को रोस्ट करेंगे तब उसका फ्लेवर अंदर तक आ जाए। गैस ऑन करके एक बर्तन गरम कर लेना है। जैसे ही बर्तन गरम हो जाए हम मीट को इस तरह फैला के अच्छी तरह से बर्तन पे रख देंगे। यहाँ पर हमें फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है और हमें इस तरह पलटते हुए हमें स्लो कुक करना है। इस तरह बीच बीच में हमें पलटते हुए मीट को पकाना है। तब तक पकाना है जब तक हमारे मीट गोल्डन कलर और क्रिस्पी ना बन जाए। हमारे मसालेदार क्रिस्पी पॉर्क बनके तैयार है। अब हम चलते हैं सर्विंग प्रोसेस पर। मैंने थोड़ा सा खीरा और प्याज के साथ सर्व किया है। अगर मेरे रेसिपी आप लोग को अच्छे लगे तो एक बार घर पर ट्राई कीजिए और पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए।